तो हेलो गाइस स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में तो सबसे पहले बता दूं अगर आपको आज के मैच की विनिंग टीम चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ वहां पर मैं आपको आज के फाइनल आईपीएल मैच की विनिंग टीम दूंगा तो देखो आज जो मैच होने वाला है केके आर और एस आर एच के बीच में होने वाला है आज साढ़े सात बजे आई पी एल का लास्ट मैच आज होने वाला है और इस मैच में हम अल्ट्रा क्लीनशिप करेंगे और सारे प्रेडिक्शन तो आप ध्यान से सुनना ताकि आप अल्ट्रा क्लिनशिप कर सको और जी और एस दोनों में अच्छी खासी रैंक आपकी आए तो फाइनल टीम आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर तो वहाँ पर जुड़ जाओ जुड़ जल्दी से बाकी देखो कुछ ऐसी बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है 90 परसेंट सिलेक्शन है फिर भी लोग इसको लेकर जा रहे हैं बट इम्पॉर्टेंट है नहीं देखो विकेट से के भी सिलेक्शन से हेन्द्रिक्रासन मस्ट भी के लेकर चलो लेकिन गुरुबाज आज बैटिंग से फ्लॉप रहने वाला है ड्रॉप करना इम्पॉर्टेंट नहीं है इक्यावन परसेंट सेलेक्शन है इस ग्राउंड पर और इस टीम के सामने दोनों पर रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है तो अवॉइड करना डायरेक्ट हैंनरिक क्लासन को लेकर चलना वैसे भी बॉलिंग फ्रेंडली पिच रहने वाली है स्पिनर को हेल्प मिलती है सेकेंड इनिंग में और बहुत ज़्यादा मिलती है लास्ट मैच में आपने देखा होगा अभिषेक शर्मा शाबाज अहमद कैसे स्पिनर रोल में आए थे तो इम्पॉर्टेंट रहेंगे तो लेकर चलना और हाँ ट्राविस हेड की अगर बात करूँ तो देखो पिच पर रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छा है बट टीम के सामने ख़राब है टीम में लेकर चलो इम्पोर्टेंट है और अभिषेक शर्मा अभिषेक शर्मा की बात करूँ तो आज के मैच में बॉलिंग करा सकता है अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करता है तो और बैटिंग से भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस हमें दे सकता है कैफी सी के लिए बेस्ट चॉइस रहने वाला है श्रेस अयर इम्पोर्टेंट है लेकर चलो बाकी देखो वरुण चक्रवर्ती एडन मार्कम रिकॉर्ड खराब है अगर आप रिस्क लेना है तो ले सकते हो वरना राहुल त्रिपाठी मस्ट से तो पिक रहने वाला है ऑलराउंडर सेक्शन से बात करूँ तो देखो नाइन्टी फोर परसेंट सेलेक्शन बट बैटिंग से फ्लॉप रहने वाला है कैबीसी बनाने का सोचना भी मत सुनील नारायण इम्पॉर्टेंट नहीं है आज के मैच में शायद ही कुछ करे क्योंकि देखो वेन्द्यू पर और इस टीम के सामने सामने दस का ही एवरेज है तो इम्पॉर्टेंट नहीं है बैटिंग से तो हंड्रेड परसेंट लॉप ही रहने वाला है बॉलिंग से एक दो विकेट मिल सकता है तो सिर्फ टीम में रखना के वी सी मत बनाना कैप्टन के लिए अभिषेक शर्मा सबसे बेस्ट रहने वाला है बाकी एंडर रसेल नितीश कुमार रेड्डी तीनों इम्पोर्टेंट है लेकर चलो लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी का आज के मैच में चांस कम है क्योंकि एडन मारक्रम खेल रहा है तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो बाकी मैं बात करूँ यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से तो देखो पैट कमिश्स नटराजन दोनों इम्पोर्टेंट है लास्ट मैच में भी विकेट लिया था एक बट आज भी इम्पोर्टेंट रहेंगे और वरुण चक्रवर्ती नटराजन इन दोनों को ड्रॉप करने का रिस्क लेना भी मत पैट कमिंस हमें बैटिंग से थोड़ी बहुत कर कर दे सकता है तो लेकर चलो मिचेल स्टार्क इम्पोर्टेंट रहने वाला है तो टीम आप सेव कर लो कॉन्टेक्ट ज्वाइन कर लो कैप्टनसी के लिए अभिषेक शर्मा वाइस कैप्टन के लिए देख लो यहाँ से आप शुरेश अय्यर कुछ अलग पिक होगा, बट आया इसका पैंतीस का एवरेज है इस ग्राउंड पर और इस टीम के सामने तो रन बना सकता है कोई सोच भी नहीं रहा है बट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है वरना आप सुनील नारायण को वाइस कैप्टन बनाने का रिस्क ले सकते हो क्योंकि बॉलिंग से विकेट लेकर जा सकता है वरना ट्राविस से हेड सेफ पिक रहेगा, बट बैटिंग से ज़्यादातर फ्लॉप रह सकता है वरना आप हेनरी क्लासन को कर सकते हो तो कैप्टन वाइस कैप्टन से इसलिए मैं आपको टिक लगा कर बता दे दो कि आप किसको किसको कर सकते हो अगर आपको सेफ जाना है सुनील नारायण को कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो मिचल स्टार्क वरुण चक्रवर्ती और यहाँ से अंदर रसेल और श्रेस ये रिस्की प्लेयर है जो कि मैंने आपको बताया जो कि चार प्लेयर मैंने आपको रिस्क वाले बताए टिक लगा दिए आप देख लो तो अभी फाइनल टीम आपको